गाइस आपने लाइव प्रूफ देखा कि किस तरीके से मैंने व्यूज बढ़ाए अपने स्टोरी के। आज के इस वीडियो में आपको दो स्टेप, दो ट्रिक्स या दो स्टेप आप कुछ भी समझना चाहते हो वो आप समझ सकते हो। आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली नंबर बात होने वाली है समय एंड टाइम। आपको किस समय अपनी स्टोरी को डालना होगा इंस्टाग्राम में ताकि आपके एंगेजमेंट ज़्यादा आ सके, आपकी स्टोरी व्यूज ज़्यादा बढ़ सके। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ शाम का टाइम आपको 2 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक आपको स्टोरी डालनी है। आप किसी भी वक्त अपनी स्टोरी को डाल सकते हो क्योंकि आप डालोगे तो आपकी स्टोरी क्या होगा कि लोग शाम को भी देखेंगे और सुबह भी सारे दिन देखेंगे, सेकंड डेज भी पूरा देखेंगे। अगर आप सुबह डाल दोगे तो एक दिन देखेगा और रात में कोई नहीं देखता और सुबह हट जाती है आपकी स्टोरी। इससे आपकी स्टोरी पर क्या है कि व्यूज नहीं बढ़ पाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे लोग बोलोगे कि भाई आपने तो स्टार्टिंग बताया था कितने सारे स्टोरी व्यूज बढ़ रहे हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। रुको भाई रुको, वीडियो को पूरी देखो, स्किप मत करो यार। अब सेकंड तरीका होने वाला है आपको यहाँ पे फेस वाली वीडियो डालनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको जो भी आपने स्टोरी डाली, जो कोई भी फोटो डाल दी, कोई भी क्या डाल दी, ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो बनानी है ऐसे और इस तरीके से आपको अपलोड कर देनी होगी। वीडियो जो आपका फेस दिखता है और जो बाकी पीछे का बैकग्राउंड दिखता है उसको देख के लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, आपकी स्टोरी को देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटो की स्टोरी लगा दी, वो स्टोरी जो आपको नहीं दिखेगी। और जो भी आप लगाएंगे ऐसे वीडियो बना के, वो स्टोरी कई सारे लोग देखेंगे और वॉच करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, इंस्टाग्राम आपका इंप्रेशन आगे लोगों के पास भेजेगा और आपके स्टोरी व्यूज भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कई सारे लोग बहुत ज़्यादा देर से सोच रहे हैं कि भाई आपने बताया था कि इस तरीके से 1000 व्यूज, 4000 व्यूज कैसे बढ़ाते हैं। तो वो एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप स्टोरी व्यूज बढ़ा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। तो चलिए चलते हैं वो वेबसाइट देख लेते हैं वो कौन सी होने वाली। तो गाइस आ गया मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले आपको ऐसे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में आपको ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तो आप 1K स्टोरी व्यूज इंस्टाग्राम इस तरीके से टाइप कर सकते हो। इस तरीके से टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे सामने आ चुकी है। तो इसको क्या करते हैं हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद में हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने और नीचे जाना होगा। और अब आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर यूजर नेम विदाउट, सिंपली से आपको यहाँ पर यूजर नेम को यहाँ पर डाल देना होगा। तो यूजर नेम कैसे कॉपी करना है, आपको इंस्टाग्राम में चले जाना होगा। इंस्टाग्राम में जाने के बाद में आपको एडिट प्रोफाइल पे जाना होगा और यहाँ पे कॉपी लिंक के यूजर नेम पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से कॉपी पे क्लिक करने के बाद में अब वो बैक आ जाना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। सिंपली से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे आपका जो भी आईडी का पासवर्ड है वो कुछ लगा के आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में आपके स्टोरी व्यूज पड़ जाएंगे।